सो हेलो गाइज, मैं पांचु आज का काले कलम छमात। और ये कुछ बचा है खा ले। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। काफी दिनों बाद मैं आ चुका हूँ कमबैक लेके एक न्यू ब्लॉग के साथ। मेरे को पता है 2 महीने हो गए हैं ब्लॉग डाले को और बहुत ही चीजें हुई 2 महीने के अंदर जो मेरे को आपको शो नहीं कर पाया मैं, लेकिन उन सभी की वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई हैं। धीरे धीरे मैं अपलोड करूंगा। बाकी इंस्टाग्राम पे अगर आपने नहीं फॉलो किया है वहां पे तो मैंने सभी डाटा पोस्ट किया हुआ है। तो फिलहाल आज का दिन हमारे लिए थोड़ा सा स्पेशल होगा क्योंकि आज हम कर रहे हैं कीर्तन, और कीर्तन में सभी इन्वाइटेड हैं, आस पड़ोस के सभी रिश्तेदार वगैरह, तो सारे आएंगे और बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट होगा। 2 महीने में क्या क्या हुआ वो आपको यहाँ पे धीरे धीरे पता लगता रहेगा क्या है क्या नहीं। फिलहाल आपको एक जने से मिलाता हूँ मैं। ये हमारा छोटूशा मोटूशा आया है 2 महीने के अंदर। प्रियांशु प्रियांशु ये अभी फोन को देखने लग रहा है। और हमारा चुन्नू ये रहा मस्त, स्नेहा ये रही और रितिका वो रही। तो फिलहाल अभी काम बहुत है, तैयारी वगैरह करनी है। कुछ कल मैंने कर दी थी, समोसे वगैरह, ठंडे वगैरह, नमकीन, ऐसे कुछ तैयारियां वो लेके आने हैं पार्सल वगैरह उठा के दुकान से। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं मार्केट के अंदर, सामान वगैरह उठा के लेके आते हैं। तो गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, ठंडे की बोतल वगैरह ले लिया और यहाँ पे हमारे समोसे वगैरह रेडी हो रहे हैं। फिलहाल थोड़ी देर में चलेंगे फिर लेके सभी सामान को। सो फिलहाल दोस्तों अभी हम मुद्दी और नमकीन ले आए हैं, बाकी के सामान ले आएंगे बाद में जब रिश्तेदार वगैरह आने शुरू हो जाएंगे। तो अभी आपको दिखाते हैं अपना एक्वेरियम जो ऊपर लगा हुआ था, तो हम ले आए थे इस नीचे, और इसके अंदर काफी सारी फिशेज हैं, टाइगर बार, ग्लो फिश और मोली फिश, ये रही मोली फिश जो ऊपर है, और यहाँ पे एक है जोम्बो फिश जो ये चिपकी हुई है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है इस तरीके से, ऊपर लगा हुआ अपना टीवी, नीचे ये रहे सब। और प्रियांशु पता नहीं हमारा कहाँ पे है, वो ऊपर होगा। तो फिलहाल अभी हम ऊपर चलते हैं, तैयारी वगैरह करते हैं, यहाँ पे माता रानी का दरबार लगाएंगे और यहीं पे प्रोग्राम करेंगे हम सभी के सभी। सो फिलहाल दोस्तों अभी ये मेज वगैरह उठा के चलते हैं हम नीचे और तैयारी करते हैं। प्रियांशु सो चुका है और टॉमी ये घूम रहा है। तो फिलहाल तैयारी वगैरह कर लेते हैं, सभी रिश्तेदार आने वाले हैं, प्रोग्राम स्टार्ट होगा अपना। कितने बजे का? 2:30 बजे के आसपास प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और कीर्तन मंडली भी आ जाएगी। सो गाइज अभी याद आया कि हम फ्रूट वगैरह तो लेके आए ही नहीं और ना ही फूल वगैरह लेके आए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए और फ्रूट्स और फूल। तो गाइज अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं बूंदी दाना और नमकीन को पैक, जो माता रानी का प्रसाद है तो यहाँ पे हमने डाल लिया है, ऐसे करके हम पैक कर रहे हैं। प्रियांशु अपना ये बैठा, चुन्नू ये रहा, लाल मम्मी और दरबार सजा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दरबार सजने लग रहा है माता रानी का, दोनों जने मेहनतें कर रहे हैं फूल। तो फिलहाल फटाफट से काम निपटा लेते हैं और उसके बाद फिर हमारा कीर्तन जो है वो शुरू हो जाएगा। सो फाइन दोस्तों, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है लगभग, माता रानी का भी दरबार थोड़ा सा सज चुका है, थोड़ा सा रहता है फिलहाल। वहाँ पे प्रसाद वगैरह जो है वो सारा का सारा हमने पैक कर लिया है, और प्रियांशु यहाँ पे रोने लग रहा था तो रितिका उसको चुप करा रही है। और यहाँ पे अपना एक्वेरियम देखो, बिल्कुल एक नंबर लग रहा है। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं, नानी की आई हुई है, नानी को लेके आते हैं फटाफट मार्केट से। 2 hours later. So fine, दोस्तों सभी तैयार हो चुके हैं, मैं भी और प्रियांशु भी। प्रियांशु पड़ा उस साइड मुंह करके। ओए प्रियांश, ओए
तो फिलहाल कीर्तन मंडली भी आ चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे। फाइन दोस्तों, कीर्तन बना कंप्लीट हो चुका है, सभी संगत जा चुकी है और इकबाल जी आ चुके हैं। तो फिलहाल अभी समोसे वगैरह खाते हैं, संगत तो को तो हमने बांट दिए और ये कुछ बचा है खा लेंगे, बाकी बांट देंगे। तो फिलहाल खाना पीना शुरू करते हैं। सो हेलो गाइज, मैं पंचु आज का काले कलम छमात हो चुका है। गंजू से तो गंजे गंजे काम कर लो, गंजू गंजू सा। तो फिलहाल दोस्तों खाना पीना हो चुका है और अभी फिलहाल थोड़ी सी साफ सफाई वगैरह चल रही है यहाँ पे, डिस्पोजल वगैरह हमने वहाँ पे घेर दिए हैं इसके अंदर, और बाकी का सामान हम रिटर्न कर देंगे और कुछ जो है वो बांटेंगे। तो फिलहाल अभी हम ये कार्यक्रम चालू करते हैं और चुन्नू आ चुका है हमारा जो बंद था ऊपर, ये देखो मैं इसको लगा देता हूँ। चुन्नू अभी ये चेकिंग वगैरह कर रही है, देखो चुन्नू चेकिंग वगैरह कर रहा है। सो गाइस, सारा काम कुम बैठ के अब आ चुका हूँ मैं पिछले वाले कमरे में, लास्ट कमरे में मम्मा वाले में, और यहाँ पे बैठ के चाय पी रहे हैं और शरीर बहुत ज्यादा टूट रहा है बहुत ज्यादा, और वैसे भी मैं 2 महीने से बिल्कुल ढीला ही चल रहा था, शरीर कमजोर हो चुका हूँ, आपको पता लगेगा होगा ब्लॉग के अंदर, सेहत बिल्कुल डिल हो चुकी है। तो फिलहाल अभी चाय पीते हैं और सिर दर्द हो रहा है, टांगे फुल दर्द हो रही हैं, चाय वगैरह पी के सिर दर्द ठीक हो गया, फिर उसके बाद देखते हैं कुछ करेंगे। फिलहाल प्यांशु यहाँ पे बैठा हुआ है और सभी बाकी सभी आगे हैं, चाय पी के फिर देखते हैं क्या होगा। सो गाइस, चाय वगैरह पी के अब लग रहा है बिल्कुल मस्त फ्रेश हो चुके हैं। फिलहाल अभी हम आ चुके हैं फ्रंट वाले रूम के अंदर और यहाँ पे सभी बैठे हैं, और नानी जी यहाँ पे बैठी है, माता जी यहाँ पे बैठी है, स्नेहा वहाँ पे, चुन्नू अपना मस्त वहाँ पे है। ओए चुन्नू, उराजा उराजा, हेलो हेलो हे, चल जब आज जब। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, सुबह हो चुकी है, कल तो थक हार के सो गए थे लेकिन आज आपको दिख रहा होगा कि मैं गाड़ी में बैठा हूं, तो आज हम जा रहे हैं माता के पास माथा टेकने के लिए, आज बसडे है तो सभी फैमिली आने वाली है कुछ ही टाइम में, थोड़ी देर में, तो उनको उठा के वहां पे चलते हैं। टाइम की अगर बात बताऊं तो टाइम हुआ है 9:50 हो चुके हैं और खाना खुना कुछ नहीं खाया, पहले जाते हैं माथा टेकते हैं उसके बाद फिर आएंगे दुकान पे, खाना वाना खाएंगे जैसे सेपरेट होगा। फिलहाल आने लग रहे हैं वो सामने, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो कुछ टाइम में आ जाएंगे, चलते हैं इतना। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं माता के मंदिर में, पीछे सभी आ रहे हैं करे हैं और यहाँ पे चप्पल वगैरह निकाल के फिर चलते हैं हम। Come on, come on. Come on.
So guys, अभी हम आ चुके हैं बस स्टैंड पे और अभी नानी और स्नेहा दोनों के दोनों जाने लग रहे हैं। बस का इंतजार है, थोड़ी देर में बस आ जाएगी और उसके बाद बस में मैं इनको बैठा दूंगा, फिर निकल जाएंगे हम घर की तरफ। मैं जाऊंगा दुकान की तरफ, ये घर की तरफ निकल जाएंगे हम दुकान की तरफ। और कुछ टाइम बाद हमें फिर तिलोकपुर जाना है माता पे, तो जाते वक्त स्नेहा को वहाँ से उठा लेंगे नानके से अपने। तो फिलहाल इनको बैठाते हैं बस में, फिर निकलते हैं अपन यहाँ से।